रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर की एक बैठक बोकारो स्थित विजय होटल में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मिनहाजुल आबेदीन ने किया तथा बैठक का संचालन प्रदेश महिला अध्यक्ष अनीता एक्का के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रांची जिला से आए पार्टी प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सार लोहरा का लोगों ने बूके एवं माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मौके पर उपस्थित प्रदेश महिला अध्यक्ष अनीता एक्का, रांची जिला महिला सचिव धर्मशीला देवी का भी लोगों ने बुके व माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से संबोधित करते हुए झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता प्रीतम सांड लोहरा ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें गांव और पंचायत पर प्रतिनिधियों का गठन करना होगा तथा अम्बेडकर के विचार को जन जन तक पहुंचाने होंगे, जिससे जात पात से ऊपर उठकर लोग देश हित पर अपना चुनाव करें। मौके पर जिला और प्रदेश से आए पार्टी पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार और वक्तव्यों से लोगों को संबोधित किया। वही लोग अम्बेडकर और पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का दामन थामा, जिसमें बोकारो जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर एम समरुद्दीन, अब्दुल रऊफ, महासचिव रविंद्र कुमार, सचिव रजनीश कुमार, महिला प्रकोष्ठ से अध्यक्ष सुनीता देवी, उपाध्यक्ष काजल देवी, महासचिव पूनम देवी, संगठन सचिव सुजीता देवी, सचिव शांति देवी, कोषाध्यक्ष मंजू देवी समेत कांके प्रखंड उपाध्यक्ष श्यामलाल करमाली, गोमिया प्रखंड सचिव जगेश्वर मुंडा को मनोनीत किया गया, जिसके बाद लोगों ने भारत के संविधान को बचाने को लेकर संकल्प लिया तथा संविधान की प्रस्तावना को सबों के द्वारा दोहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश सचिव शंभुनाथ गंजू, खलारी प्रखंड के महासचिव जगदीश गंजू, रविंद्र कुमार, मंजू देवी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बोकारो जिला की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश के उपाध्यक्ष मिनहाजुल आबेदीन ने किया और संचालन हमारी झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष अनीता एक्का ने किया। बोकारो जिला में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में दर्जनों महिला और पुरुष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्यता ग्रहण किए और सबने कसम खाया है घर घर जाके बाबा साहब का जो विचारधारा है, समता संविधान की स्थापना करना, भारत की संविधान की रक्षा करना और देश और संविधान का रक्षा के लिए हम लोग अभियान चलाए हैं और दर्जनों लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज बोकारो जिला में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर का एक बैठक रखा गया था, जिसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विस्तार किया गया। इसमें अनेक महिला पुरुष अपनी सदस्यता ग्रहण कर पार्टी का विस्तार करने में सहयोग करने के लिए वचनबद्ध हुए और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जो अधूरा सपना था उसको पूरा करने का संकल्प लिया और शिक्षित होकर के संगठित होना और उसके बाद हमारा जो हक और अधिकार है उसको लेना, उसकी जानकारी प्राप्त रखना और जहाँ कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो हमारा जो हक अधिकार है उसको हम लोग अपने से बढ़ चढ़ करके और लेने के लिए पूरा संकल्पित हुए। इंडिया अम्बेडकर झारखंड प्रदेश बोकारो जिला में एक बैठक की गई जिसमें दर्जनों महिलाओं और भाइयों ने शामिल हुआ और बाबा साहब के जो अधूरे सपने को वो छोड़ गए थे उस मिशन को पूरा करने के लिए इस पार्टी में शामिल हुए, उस सपने को साकार करने के लिए। आज हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं और आगे बढ़कर दिखाएंगी। रिपब्लिकन पार्टी का नाम हर घर में होगा, हर गली मोहल्ले में होगा। जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें हम शामिल हुए और आगे भी मैंने बढ़ना चाहते हैं और हमारी गांव में चाहे हमारे एरिया में जो भी लेडीज हैं उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक का अधिकार देना चाहते हैं।